हमेशा इंतजार करता रहता है। अरे तू चिंता मत कर, वो आता ही होगा, थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े देशों में थोड़ा थोड़ा लेट तो सभी होते रहते हैं। मत्सर महीने से कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे क्या हुआ लाल भाई, तू आजकल बड़े मच्छर के बारे में चिंता करता रहता है, मुंह में खुजली हो रही है क्या? हाँ दोस्त, दिन में एक बार उसको चिढ़ा ना लूं तो मुझे रात को नींद नहीं आती। वो गुस्से से जैसे चिल्लाता है मुझे बहुत मजा आता है। अरे हाथी भाई एक बार दिखा दो तो, जरा मच्छर गुस्से में कैसे चिल्लाता है। ठीक है दोस्तों, मैं अभी चलता हूँ, आज हम लोगों के घर में मेहमान आने वाले हैं, सुबह ही फोन करके आज हम लोग आएंगे ऐसा कह रहे थे। ओ समझा, फोन क्या हुआ मेहमान? तो आज मेहमान की खातिरदारी अच्छी तरह से होगी। मतलब खाना जोरदार होगा। क्यों? मेरी माँ कहती है फोन करके आने वाले मेहमान खाने के लिए ही आते हैं, और उन लोगों की अच्छी तरह से खातिरदारी ना करने से पता है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सुबह ही फोन करके खबर भेजा था कि हम लोग आ रहे हैं, इसके बाद भी खाने को क्या मिला? सूखा बिस्किट और एक कप बिना दूध वाले चाय, हलवा पूरी खीर कुछ ही बनाकर खिला भी नहीं सकते। सच्ची दोस्त, तू ठीक ही बोल रहा है, इसीलिए माने।